हेडिंग टुवर्ड्स दी भक्तपुर एंड आप देख सकते हैं किस टाइप की क्लासिक लाइफस्टाइल है यहाँ पे। तो इसी क्लासिक लाइफस्टाइल को देखने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड या इट्स क्वाइट अमेजिंग लाइक हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो लाइफस्टाइल यू गेट टू सी हेयर। लाइक सडनली मॉडर्न लाइफस्टाइल से आप बाहर आते हैं यू नो ओल्ड एरा में, सो दैट्स अमेजिंग। एंड यहाँ के लोगों ने वो जो हेरिटेज है पुरानी लाइफस्टाइल का वो उसे प्रिजर्व किया है। तो या इसके अंदर आते ही आपको ऐसा सोने लगता है कि यू आर समवेयर एल्स एट अ डिफरेंट प्लेस एंड यही इस भक्तपुर की खासियत है। एंड डेफिनेटली आई कैन से इट्स वर्थ टू विजिट हेयर एट द भक्तपुर। हे व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो एज आई हैव सेड प्रीवियसली हम अब भक्तपुर में पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम थे नागरकोट में, सो वी आर हेयर इन दी भक्तपुर। हमने बाइक्स लगा दी है यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यू नो ओल्ड स्कूल वाइब है, पुराने ज़माने की एक वाइब है यहाँ पे। एंड सभी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ईंटों से बनाए गए हैं एंड इस पर कोई भी दूसरे टाइप का कलर वगैरह कुछ नहीं चढ़ा है, जस्ट ईंटों का जो ओरिजिनल रेड कलर आता है वही दिखेगा आपको हर बिल्डिंग पे। सो या गाइज आई एम एक्साइटेड टू रोम अराउंड दिस टाउन, या सो लेट्स मूव। सो गाइज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया भक्तपुर इज लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को फॉर इट्स रिच कल्चर टेम्पल्स एंड वुड मेटल एंड स्टोन आर्ट वर्क। ये जो बिल्डिंग्स है उन पे जो आर्ट वर्क किया गया है, मेरे सामने जो बिल्डिंग है उस पे यू नो वुडन आर्ट वर्क है, सो डेफिनेटली यू कैन सी दैट आर्ट वर्क विथ योर ओन आइज। यू नो जब आप इस सिटी में एंटर करते हैं तभी आपको पता चलता है कि यू हैव एंटर्ड इन समवेयर एल्स डिफरेंट टाइम एरा। इट्स लाइक यू नो टाइम मशीन से आप बैकवर्ड इन टाइम आ चुके हैं और किसी पुरानी जगह पहुंच चुके हैं। एंड द रीज़न इज इस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व किया गया है अब तक। सो लेट्स हैव अ लुक योरसेल्फ। तो दोस्तों भक्तपुर काठमांडू से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। भक्तपुर को नेपाली भाषा में ख्वापा भी कहा जाता है, जिसका लिटरली मतलब होता है मंदिरों वाला शहर, और आप यहाँ पे बहुत सारे मंदिर देख ही सकते हैं। वैसे भक्तपुर को सन 1200 के आसपास राजा आनंद देव माला ने बनाया था और भक्तपुर को माला साम्राज्य की राजधानी बनाया था। सो पीपल हु लिव्स हियर आर कॉल्ड एज नेवारी पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर है उसको नेवारी कल्चर कहा जाता है। एंड यहाँ की स्पेशलिटी है दही या फिर योगर्ट, जिसे यहाँ पे कहा जाता है जूजू या फिर दहूँ। सो लेट्स सी इफ यू विल एबल टू ईट दैट फेमस डाउन हेयर। यहाँ का कल्चर, यहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ की आर्ट, ये सब मिलकर एक ऐसा इमर्जन क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है कि आप किसी एंशियंट टाइम्स के किंगडम से गुजर रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही मेसमराइजिंग है दोस्तों। सो गाइज एज यू कैन सी बहुत ही जेन्युइन टाइप का आर्ट आई आपको यहाँ पे मिल रहा है, यू नो वुडन वर्क स्टोन वर्क एंड क्लोथिंग्स वगैरह, जिन चीज़ों की वजह से इस प्लेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया है।
सो ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ की स्ट्रीट्स पे एंड यहाँ के शॉप्स में। तो दोस्तों अब हम यहाँ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट के शॉप में एंटर हो चुके हैं, देखते हैं क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है यहाँ पे। Guys, we just dispatched from this handicraft shop and coincidence देखे जो owner है वो native India के, मतलब उनकी जो माँ थी वो ठाणे से थी जो कि मुंबई के बाजू में ही है and he was a very nice guy and हमने उनके shop से कुकरी खरीद ली क्योंकि ऑब्वियसली नेपाल में आए और कुकरी ना खरीदे ऐसे कैसे हो सकता है। सो वी हैव परचेस्ड कुकरी फ्रॉम हिज शॉप एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट ओवर फ्रॉम दिस भक्तपुर प्लेस एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स, आई डोंट नो गाइस, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस, मे बी आई विल राइट समवेयर एल्स इन दिस वीडियो डाउन बिलो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी That's Amazon. सीने पर ठंड पै गई, ठंड पै गई भाई, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। मतलब काइंड ऑफ जो वेस्ट बंगाल में जो मिलता है मिष्टी दोई उसकी तरह था, पर ये इतना स्वीट नहीं था, बहुत अच्छा था। लेकिन ऑलराइट गाइस, तो भक्तपुर की फेमस दही खाने के बाद नाउ वी आर All set to move towards the Bandipur or Bandipur. What was that, bro? Bandipur. Yeah, we are all set to move towards the Bandipur. So let's move. There we have kept our motorcycles. Just walking down towards our motorcycle. Yeah. See you at the Bandipur. So thank you for watching this video, guys. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यू नो ऑल दैट गुड यूट्यूब स्टफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड अंटिल द नेक्स्ट वन चेक आउट दिस अमेजिंग वीडियो शोइंग ऑन द स्क्रीन।